नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की। तो यहां पर दो पेजेस एडिटोरियल्स के, एक है पेज नंबर 6, एक है पेज नंबर 7। तो पेज नंबर 6 पे यहां पर चार एडिटोरियल्स हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल में यहां पर बात कर रहे हैं जो आरबीआई ने हाल ही में अपना एक सरप्लस ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपए तक की यहाँ पर अमाउंट है। पिछले साल के मुकाबले में काफी ज्यादा यहाँ पर डबल, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सरप्लस जो है अभी दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये जो सरप्लस है ये 9 महीने का सरप्लस है। ओके, तो मतलब कि पहले ऐसा था कि जो आरबीआई का फिस्कल ईयर चलता था वो गवर्नमेंट के फिस्कल ईयर से थोड़ा अलग था। गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर चलता था 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक, लेकिन आरबीआई का फिस्कल ईयर यहाँ पर 1 जुलाई से शुरू होता था और अगले साल की यहाँ पर जून लास्ट तक वो खत्म होता था। लेकिन अभी पिछले साल से आरबीआई ने अभी ये कह दिया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही अलाइन करके चलेगी फाइनेंशियल ईयर के मामले में। तो अभी इसलिए यहाँ पर ये 31 मार्च तक यहाँ पर 9 महीने का ये सरप्लस दिया जा रहा है। ओके, तो अभी आरबीआई भी अपना फिस्कल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से ही अभी इस साल से यहाँ पर मानकर चलेगी, जो कि अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा। ओके, तो ये 9 महीने का 1 लाख करोड़ के आसपास का तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सरप्लस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। देखो ये पैसा आता कहाँ से है? ये जो पैसा आता है आरबीआई ना, आरबीआई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उसने की करके रखी होती है। इसके पास काफी रिजर्व पैसा पड़ा होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 582 बिलियन US डॉलर के आसपास राशि पड़ी हुई है। और ये अलग अलग यहाँ पर ना सेट है जिसके हिसाब से ये पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर गोल्ड की फॉर्म है, यहाँ पर US डॉलर की फॉर्म है, यूरो की फॉर्म में है। ओके, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद IMF, इसकी फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ है। तो यही पैसा ये अलग अलग बैंकों में भी रखते हैं जो इंटरनेशनल बैंक, तो वहां पर से भी इनको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो मतलब कि जो पैसा रिजर्व पे पड़ा है तो उसको भी ऐसे खाली नहीं रखा होता, उसको भी यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि कुछ ना कुछ वहां से भी बेनिफिट उठाया जाए। जैसे आम कोई लोग हो, कोई बंदा हो, अगर उसके पास पैसे पड़े हों तो वो क्या करेगा, उसको उसका फायदा कोई ना कोई उठाने की वो कोशिश करेगा कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाए, महीने के हिसाब से कुछ रकम मिल जाए, करे अगर मैं FD करवाता हूँ, कुछ भी करवाता हूँ। तो वैसे ही इन सभी तरीकों से अगर गोल्ड के प्राइसेस राइज होते हैं तो जितना भी यहाँ पर गोल्ड पड़ा होता है उस हिसाब से प्राइस यहाँ पर भी जो है एडिशनल इनके बनने शुरू हो जाते हैं। US डॉलर की यहाँ पर देखो, अगर हमारी करेंसी डिवैल्यूट होती है तो उससे भी यहाँ पर जो है हमारी इंडियन रुपीज के मामले में पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही पैसा अमाउंट के रूप में जो होता है, जो सरप्लस निकलता है, मतलब जो एक रिजर्व रखना होता है उससे सरप्लस जो निकलता है ना, तो वो सरप्लस लिमिट यहाँ पर सरकार को दे दी जाती है। तो कई बार तो सरकार यहाँ पर जो रिजर्व पे पैसा पड़ा होता है उसके ऊपर भी यहाँ पर सरकार की आंख होती है कि हमें ये पैसा दिया जाए। तो पिछली कुछ टर्म में ये ऐसा चला भी था जब यहाँ पर हमारे कुछ आरबीआई के गवर्नर रिजाइन भी कर गए थे। जैसे उर्जित पटेल की बात करें तो वो उनका बेसिकली रिजाइन करने का रीजन यही था, यहाँ पर सरकार दबाव बना रही थी कि रिजर्व का पैसा यूज करो। ओके, तो 10 लाख करोड़ के आसपास का रिजर्व पड़ा हुआ है आरबीआई के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा इसलिए करेगी, यहाँ पर और भी डेवलप्ड नेशंस जैसे USA है, तो वो भी उसका भी जो रिजर्व है ना वो तकरीबन अभी खाली हो चुका है, बहुत कम रह चुका है। ओके, तो चाइना जो है वो टॉप पर है जिसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सबसे ऊपर है, और भारत का जो है वो लगभग जो है 582 बिलियन US डॉलर के आसपास अभी रिजर्व है भारत का। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है यहाँ पर पहले एडिटोरियल में। तो अभी डिस्कस करेंगे हम ये वाला सेकंड वाला एडिटोरियल। ओके, तो अभी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग, कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स होंगे जापान में, जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो सिनेरियो क्या है? तो अभी पहले ही एक बार हम जो है डिले कर चुके हैं। तो शुरुआत में वही बात करें जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो यहाँ पर अभी वो कह रही है कि यहाँ पर जो गेम्स है ना वो कंडक्ट होंगी 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2021 की, ये बात कर रहे हैं। तो पहले ही यहाँ पर जो है ना, ये 2020 में यहाँ पर डेट्स अनाउंस हुई, 2020 में ये यहाँ पर ये प्रतियोगिता होनी थी ओलंपिक्स की, लेकिन ये रद्द होगी क्योंकि 2020 में सभी मुल्कों में पैंडेमिक के चलते यहाँ पर बहुत सारा चीजें बंद कर दी गई। तो ओलंपिक्स गेम को भी यहाँ पर उस समय पोस्टपोन कर दिया गया था 1 साल के लिए, उस समय फर्स्ट वेव थी पैंडेमिक की। तो अभी ऑर्गेनाइजर यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पर कुल जो बजट है ना इसे यहाँ पर इवेंट करवाने का वो 15.4 बिलियन US डॉलर के आसपास है। तो इतना बजट है इसका। तो बार बार यहाँ पर डेट्स को जो है रिवर्क नहीं किया जा सकता दोबारा से, तो ये टफ हो जाएगा। ओके, तो ये अभी इसको इस साल ही यहाँ पर करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ओलंपिक्स जो है
तो यहाँ पर उसका उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। अल्पाइन ओलंपिक्स हैज ऑलवेज बीन अबाउट स्ट्राइविंग फॉर द इम्पॉसिबल एंड एविडेंट इन इट्स मोटो, फास्टर हाई एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये तो उसका मोटो है, लेकिन अभी इम्पॉसिबल लग रहा है कि वो आगे यहाँ पर स्ट्राइव कर पाए, अपने आप को यहाँ पर बता पाए कि हाँ ये इवेंट हो जाए। यहाँ पर गेम की बात करें तो अभी ये शुरुआत हुई थी इसकी, यहाँ पर जो मॉडर्न वर्जन था, जो गेम्स था, गेम्स का ये शुरुआत हुई थी एथेंस में। ओके, तो एथेंस कहाँ पर पड़ता है? तो 1896 में ये शुरुआत हुई थी। इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर जो एथेंस है उसके आसपास की कंट्रीज कौन सी? और यहाँ पर कुछ गैप्स भी इसमें पड़े, जैसे अभी पिछले साल का पैंडेमिक का गैप पड़ा, इसके पहले भी यहाँ पर कुछ गैप रहे हैं, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन में लाइन बनाकर ये भी पूछा जा सकता है, ओके, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मतलब कि लगातार कोई, क्या पहले भी कोई गैप रहा है ओलंपिक्स में? तो पहले भी रहा है, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन हुई थी 1916 में, उस समय रहा। फिर जो वर्ल्ड वॉर टू चली 1940 में रहा, 1944 में रहा। ये जो सभी इवेंट्स हुए इन सब में यहाँ पर गैप रहा, नहीं हुए इस साल ये इवेंट्स, ओके, ओलंपिक्स के। और इसके अलावा जब कोल्ड वॉर का यहाँ पर सिनेरियो चल रहा था, कोल्ड वॉर मतलब कि ये हुई थी एक कोई, ये कोई फिजिकल फॉर्म में वॉर नहीं हुई थी, लेकिन कोल्ड वॉर मतलब इस तरीके से कि यूएसएसआर एक एक जगह था और दूसरी जगह यहाँ पर था यूएसए, इन दोनों के बीच में हुई थी कि किसी समय पर भी मतलब फिजिकल फॉर्म में वॉर हो सकती थी, ये सिचुएशन थी। तो ये काफी देर तक चली, तो ये तब तक चली जब 1989 तक ये यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया। ओके, तो मैंने इसका मैप भी आपको दिखाया था, अभी दिखाता हूँ कि यूएसएसआर में कितने कंट्रीज थे कुल। तो ये यहाँ पर देखिए, ये इतना बड़ा यूएसएसआर था, ये तो यहाँ पर ऑरेंज में रशिया है, इसके साथ जितने भी ये कंट्रीज हैं, ओके, तो यहाँ पर ये सभी इसके पार्ट थे, हिस्सा थे, तो उनके नाम यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है। जैसे ये एस्टोनिया शुरुआत यहाँ से कर लो, लातविया, लिथुआनिया हो गया, बेलारूस, यूक्रेन हो गया, ये मॉल्डोवा हो गया, ओके, मोल्डोवा इसको बोल रहे हैं, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, उसके बाद में यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो यहाँ तक ये सभी नेशंस इस यूएसएसआर का पार्ट थे, इंक्लूडिंग रशिया। तो ये इतना बड़ा बड़ा ग्रुप था, तो यहाँ पर यूएसए के लिए एक तरीके से ना सरदर्दी बन चुका था कि ये स्टेट इकोनॉमिक मॉडल जो है वो बढ़िया रहेगा, या फिर जो कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमिक मॉडल जो यूएसए फॉलो करके चलता था, या फिर वो सही रहेगा। कैपिटलिस्टिक मतलब कि जहां पर अमीर लोग पैसा लगाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो इस तरीके से वो वाला मॉडल। तो अमेरिका में कैपिटलिस्टिक को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ओके, तो जैसे भारत में यहाँ पर क्रिटिसिज्म हमेशा कैपिटलिस्टिक, यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उन्हीं का ज्यादातर किया जाता है कि सरकार जो है हमेशा उन्हीं के फेवर में काम करती है। तो अमेरिका में सरकार करती है उनके फेवर में काम, ओके, पता है कि उनके रूप से मतलब ज्यादा नौकरियां निकलने की चांसेस है, इकोनॉमी ग्रो होगी अगर ऐसा माहौल बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भारत में भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर प्राइवेटाइज जो है ना लोग आगे आए, और जो है हर एक चीज का यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से नए सिरे से जो ना शुरुआत की जाए। तो यूएसएसआर यहाँ पर स्टेट इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करके चलता था कि सब कुछ यहाँ पर सरकार ही करेगी, ओके, तो यहाँ पर अगर कोई चीज बन रही है तो ज्यादा प्राइस है तो सरकार सब्सिडी देकर, उसका प्राइस अगर 5 रुपए का, तो कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पर 5 रुपए ही चलेगा वो, ओके। जैसे भारत में, भारत की जो इकोनॉमी वो मिक्सड इकोनॉमी है, यहाँ पर कैपिटलिस्टिक वाला मॉडल भी फॉलो करते हैं, यहाँ पर स्टेट इकोनॉमी वाला मॉडल भी फॉलो करते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल्स में, वहां पर आपको पब्लिक फैसिलिटी मिलती है, सरकार वहां पर पैसे लगा रही है, ओके। तो इसी तरीके से अगर कोई प्राइवेट प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो वहां पर प्राइवेट एंटरप्रेनर्स जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर, जैसे आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, तो वहां पर आपको कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दे रही सरकार, ओके। लेकिन अलग अलग चीजें जैसे हैं, जैसे एलपीजी, वहां पर सब्सिडी सरकार इंटरवीन कर रही है। तो ये यूएसएसआर था उस समय, ओके। तो ये इन दोनों यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर थी, और उसके चलते क्या हुआ कि उस समय जो वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक थे, ओके, तो वेस्टर्न ब्लॉक जो यूएस और यूएस के जो अलाई थे, और ईस्टर्न ब्लॉक में यहाँ पर ये पूरा यूएसएसआर हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर ना आपस में कोल्ड वॉर थी, तो बॉयकॉट हुआ था ओलंपिक्स का 1980s में भी और 1984 में भी, ध्यान रखें सभी डेट्स को। और अभी पैंडेमिक के चलते ये कह रहे कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो अभी देखो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी भी मतलब अलग अलग जगहों पर तेजी से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन जल्दी से पूरा किया जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है पैंडेमिक, अगर ये इसके जो है दरमियान अगर गेम्स होती हैं, अगर सही तरीके से हमने तैयारी नहीं की तो नुकसान हो सकता है प्लेयर्स का। तो यहाँ पर लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मेलसी कब होगी, उसके रिगार्डिंग अभी भी यहाँ पर लोग उदास हैं। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जो स्पोर्ट्स है मतलब जो यहाँ पर खेल कूद होता है,
अगर एक बार कोई भी खेल शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पर जो ये कोई भी जो कोई भ्रामक चीजें हैं, तो ये जब रोमांच आता है किसी खेल का, तो वो अपने आप यहाँ पर दूसरी चीजें दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये भी लोगों का यहाँ पर कहना है, यहाँ पर चेहरे पे जो उदासीनता है तो उसको सही किया जा सकता है अगर यहाँ पर एक बार स्पोर्ट्स शुरू होती, गेम शुरू होती। तो इसी यहाँ पर आईने के तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ओलंपिक्स है इज द हाइएस्ट बेंचमार्क। तो यहाँ पर यूरोपियन, अगर फुटबॉल की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, ग्रैंड स्लैम, तो टेनिस की यहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं, इनकी बात करें, तो इन सबको यहाँ पर रिसरफेस किया गया है कोविड 19 प्रोटोकॉल्स के चलते। तो यहाँ पर कुछ अगर हो रहे हैं गेम्स, तो कुछ यहाँ पर प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिनको भी फॉलो करके चलना होगा। अगर यहाँ पर केसेस निकल कर आए तो वहां पर रोक भी लगाई जाए, जैसे यहाँ पर आईपीएल में रोक लगाई गई। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि आईपीएल के रिगार्डिंग भी अभी भी कोई फुल प्रूफ मेजर नहीं है, तो अभी इसको छोटा करने की यहाँ पर बात चल रहे हैं। तो अभी दोबारा से इसका एडिशन जो है ना, इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि अभी यूएई में इसको करवाया जाएगा आईपीएल को, तो जितने पेंडिंग मैचेस हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ बायो बबल जैसे ना, यहाँ पर टेक्निक को यूज करने की बात की जा रही है कि ऐसे प्लेयर्स को आइसोलेट किया जा सकता है मैच के दौरान। तो स्टेडियम के ऊपर भी यहाँ पर ऐसा बायो बबल बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऐसी टेक्निक्स को भी अगर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर वही बात करें, जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कर लें कि वायरस ना फैले, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना, उनको किसी ना किसी तरीके से वायरस जो है ना, उसके नजदीक ही वो होंगे। तो यहाँ पर जो ओलंपिक्स अभी होंगे, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड अटेंडेंस है कि जितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जितने एथलीट, तो यहाँ पर उनकी संख्या 11,000 जो है, 11,091 के आसपास है जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये काफी संख्या है, तो यहाँ पर एक बुरे सपने की तरह यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करना, और मतलब किस तरीके से मैनेज करेंगे यहाँ पर इस पूरे इवेंट को, तो ये काफी टफ रहेगा। तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो, अगर यहाँ पर टेनिस के रिगार्डिंग भी बात करें, तो वो भी यहाँ पर चिंता जता चुके हैं कि किस तरीके से, मतलब अभी बहुत जल्दी ये डेट आने वाली है, जून में अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो किस तरीके से हम जो प्लानिंग किया है इसकी। तो अभी बात करें हम इंडियन ओलंपिक कमेटी की, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉसन, यहाँ पर बेस्ड है स्विट्जरलैंड में, और इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन द फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन अंडर द स्विस सिविल कोड। हेडक्वार्टर इसके लॉसन स्विट्जरलैंड में है। ऑनररी प्रेजिडेंट जैक स्ट्रॉग है, प्रेजिडेंट थॉमस बैच है, और उसको बनाया गया था 1894 में पेरिस फ्रांस में। तो फ्रांस पेरिस, तो वहां पर ये बना था 1894, इस डेट को भी याद रखें, क्योंकि तो इस साल ओलंपिक्स है, तो ओलंपिक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन निकल सकता है। और अगर हम बात करें जो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम जो ओपन होते हैं, जो टेनिस ओपन होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन निकलता है। तो यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि पहली बात तो डेट क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, कि सबसे पहले वाला कौन कब होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है किसी एक साल में, यहाँ पर जनवरी की बात करें तो हमारा अगर कोई एक साल शुरू हो गया तो जनवरी या मिड लेट जनवरी, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है। यहाँ पर मेलबोर्न, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में जहां पर ये करवाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो यहाँ पर हार्ड सरफेस के ऊपर होता है, ध्यान रखें। तो इसके रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हो सकता है, हार्ड सरफेस के ऊपर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, तो ये मई जून के महीने में शुरू हो जाता है, और ये पेरिस में होता है, और यहाँ पर ये इसके जो सरफेस होता है वो क्ले होता है। तो मिट्टी वाला यहाँ पर सरफेस होता है जहाँ पर ये टेनिस खेली जाती है। विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जून जुलाई में होता है। तो ये लंदन में होता है, और ये इसका जो सरफेस वो ग्रास होता है। यूएस ओपन ये सबसे लास्ट में होता है, अगस्त सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी में, और इसका सरफेस भी यहाँ पर हार्ड होता है। तो ये सरफेस के रिगार्डिंग ध्यान रखें, तो ग्रास का सरफेस विंबलडन में होता है, फ्रेंच फ्रेंच का जो सरफेस होता है वो क्ले वाला होता है, बाकी दोनों का ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन का हार्ड सरफेस होता है, और यूएस ओपन साल की आखिर में होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन। आगे बढ़ते हैं, तो अभी सेकंड एडिटोरियल में ऑथर क्या बात करें, तो सेकंड एडिटोरियल, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये वाले एडिटोरियल की। तो यहाँ पर जैसे ह्यूमैनिटी की बात करें कि ह्यूमैनिटी मैटर करती है, तो जो कैपिटलिज्म है उनको चाहिए कि अपने आप को अपग्रेड करें और सिस्टम को समझें, सैनिटी को समझें कि अभी क्या दिक्कत चल रही है हमारी इकोनॉमी में, उसी के हिसाब से यहाँ पर ये बात करें। तो कोविड-19 वैक्सीन की अभी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है जो आम कंपनीज, जो हमारे कैपिटलिस्टिक जो कंपनीज है, जो श्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर लो, भारत बायोटेक की बात कर लो, तो उसके उनके सामने मौका है, तो आए आगे आए, तो अपना ही सिर्फ पर्पस ये ना देखे कि पैसा कमाना है, अभी जरूरत है लोगों को,
और उनकी जिस तरीके से भी आप भलाई कर सकते हैं तो करें। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं कि वो प्राइवेट प्रोड्यूसर जो वैक्सीन के जो बना रहे हैं, तो यहाँ पर उनका मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि हमें प्रॉफिट बनाना है। तो क्यों यहाँ पर ये ऐसा सिर्फ प्रॉफिट को मना क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनसेशन अगर बात करें ना, कि शुरुआत में जो वैक्सीन के ट्रायल होने थे, जब रिसर्च चल रही थी कि वैक्सीन बननी है, तो यहाँ पर हमारी जो कंपनीज थी तो इन्होंने ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की रिसर्च के ऊपर, सारा पैसा खुद का लगाया, खुद से प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो भारत सरकार सिर्फ यहाँ पर इनसे ये डोजेस लेने आई थी। ओके, तो मतलब कि स्टार्टिंग में इनकी सपोर्ट नहीं की गई, तो इसी के चलते ये कह रहे हैं कि हम भी फिर यहाँ पर प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे। तो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्राइस इतना ज्यादा रख दोगे कि आम जो गरीब आदमी है उसकी पहुंच से ही बाहर हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर फिर नैतिक तौर पर जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा कंपनीज का। तो देखो अभी कंपनी क्या कर रही है, तो जो भारत सरकार को जो डोज दे रही है वो दे रही है 150 रुपीज पर डोज के हिसाब से। ओके, भारत सरकार को इतने रुपए के हिसाब से जा रही है। लेकिन अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट्स को और यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, तो इनके लिए यहाँ पर प्राइस टैग अलग अलग है। ओके, कोई 400 रुपए में दे रहा है एक डोज राज्य सरकारों को, कोई यहाँ पर 600 रुपए में दे रहा है। ओके, तो प्राइवेट की तो यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर जो है प्राइस रख दिया गया है, डोजेस कोई 1000 तक भी जा रहा है। तो अभी अगर प्राइवेट के लिए अगर आम बंदा को लेना चाहे तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा प्राइस रख देते हैं तो इनको लॉस होगा। तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो आगे आए और यहाँ पर प्राइवेट प्रोड्यूसर से खरीदें, वैक्सीन खरीदें और फिर बाद में सब्सिडाइज करें, ताकि जो कि आम जन तक जो वैक्सीन है वो पहुंच जाए। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स आपको मिलते हैं तो उसमें दाम ज्यादा ही होता है, लेकिन सरकार यहाँ पर खुद से इंटरवीन करती है और कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको प्रदान करती है कि आपको सस्ते से सस्ता सिलेंडर पड़े। हालांकि ये बेनिफिट आपको अभी डीबीटी के थ्रू मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिलता है, तो जितनी भी थोड़ी बहुत सब्सिडी आती है, लेकिन सरकार अपने ओर से पैसा देती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार अपनी ओर से सब्सिडी दे और यहाँ पर लोगों तक सस्ते जो है दाम पर दवाई जो है वो अवेलेबल करे, वैक्सीन जो है अवेलेबल करे। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर रेवेन्यू चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर टैक्सेस लगा सकते हैं। तो अच्छा खासा वो एक सिग्निफिकेंट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ से पैसा आ सकता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जब अर्थ के रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लोइटेशन हम कर देते हैं, ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लोइट करते हैं, जितनी हमें जरूरत है उतना तो निकाल लो, लेकिन जब ओवर कर देते ना तब यहाँ पर सिचुएशन खराब होती है। तो यहाँ पर जब ओवर की बात आती है ना, ज्यादातर यूएसए में भी यही हुआ था, जैसे धरती के नीचे से शेल ऑयल निकाला, ठीक है, तो ज्यादातर यही, मतलब अभी जरूरत नहीं है निकालने की फिर भी निकाला। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, सस्ते सस्ता यहाँ पर चीज बनाएंगे बेचेंगे तो मार्केट बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगी तो प्रॉफिट के यहाँ पर जो है वो चांसेस जो वो भी बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा रिसोर्सेज को यहाँ पर ओवर यूटिलाइज किया जाता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जाए, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है क्या उसका हम ध्यान रख रहे हैं, क्या जो क्लाइमेट जलवायु में जो बदलाव आ रहा है उसके ऊपर हम ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑनरशिप का जो कंसेप्ट है, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, तो यहाँ पर अभी काफी दूर चला गया है। जब यहाँ पर बात करें स्लेव, जब यहाँ पर गुलाम प्रथा चलती थी तो यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं देखा जाता था उस समय स्लेव्स के रिगार्डिंग। तो अंग्रेज क्या करते थे, अफ्रीका से जो ब्लैक लोग होते थे उनको उठाते थे, गुलाम बनाते थे और अपने अपनी जहां जहां पर फैक्ट्रीज होती थी वहां पर लेकर जाते थे, उनसे काम करवाते थे। और जो ह्यूमन राइट्स के तहत उनको जो जो चीजें यहाँ पर चाहिए होती थी कुछ भी उनको नहीं मिलता था। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स फॉर यूज इन कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस एज देयर इकोनॉमिक एसेट्स अंटिल मॉरल्स ऑब्जेक्टिव। तो ये तब तक यहाँ पर स्लेवरी को, इन गुलाम लोगों को यूज करते रहे जब तक यहाँ पर लोग थे जो कहते थे कि आप किन्हीं का जो है हक वो छीन रहे, तो जब तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई। तो ये यहाँ पर सिंपल सी बात कही जा रही है। तो दूसरा, अभी समय के हिसाब से बात करें कि अभी मॉडर्न रिजीम में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रचलित चीज है वो है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना पेटेंट लेकर आते हैं, तो जो जिससे कि कैपिटलिस्ट को मदद मिल जाती है, तो उनका अपना ही एक ना मोनोपोली बन जाता है। मोनोपोली मतलब कहने की किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे वैक्सीन की ही बात करूं तो दो ही कंपनीज का अभी मोनोपोली है भारत में, एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत बायोटेक। क्योंकि अगर मैं भारत बायोटेक की बात करूँ ना, तो सही रूप से उसी का मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि रिसर्च उसकी है, जो ये कोवैक्सीन बनी है तो ये भारत बायोटेक की अपनी रिसर्च है। ओके, लेकिन जो कोविशील्ड वैक्सीन आप यूज कर रहे हो, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, वो उसकी अपनी रिसर्च नहीं है, वो रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
ओके, तो वहां पर उन्होंने ये वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया था, अस्ट्राजेनेका नाम था उसका। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूके और यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच में। ओके, तो मतलब कि उन्होंने फॉर्मूला अपना दिया है कि वैक्सीन बना बनाकर आप हमें सप्लाई कीजिए, लेकिन वो वैक्सीन अभी भारत के लिए दी जा रही है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर हाल में अभी पाबंदी लगाई हुई, लेकिन अभी वही बात करें कि मोनोपोली बन गई ना, कि जिसका आईपीआर राइट, जिसका पेटेंट है, वही कहेगा कि मैं खुद से देखूंगा कि मैंने किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। तो यहाँ पर वही बात करें कि जो आम लोग हैं, ठीक है, तो उनको ही यहाँ पर रोक दिया गया है कि मतलब अपने ही प्रोडक्ट्स को वो यूज ना कर पाए। जैसे यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जैसे नीम हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, तो इनको भी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ये पेटेंट करवा लेते। जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिए जहां पर नीम का इस्तेमाल हो रहा है, जहां टर्मरिक का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको पेटेंट करवा लिया। ओके, तो रॉ मटेरियल तो वही है ना, तो रॉ मटेरियल चलो आमतौर पर तो ये अप्रोच कर लेंगे। तो बात वही कहने की, मतलब कि आम लोगों को पता है कि क्या किसका इस्तेमाल हो सकता है, तो वहां तक जो चीज पहुंचानी चाहिए सस्ते दामों पर वो नहीं पहुंचाई जा रही। तो अभी दौर चल रहा है यहाँ पर आईपीआर राइट्स का। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तीन यहाँ पर स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। जब भी यहाँ पर बात करते हैं टू प्रोड्यूस एडिक्वेट वॉल्यूम्स ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन, तो अच्छे खासे तादाद पर मेडिसिन का अगर निर्माण करना हो तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें जो सिटीजन हु नीड द मेडिसिन, जिनको चाहिए, गवर्नमेंट हु मस्ट एश्योर दे गेट देम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जिस जो मतलब ये एश्योर करके चले कि आम नागरिकों तक वो मेडिसिन पहुंच जाए। तीसरा यहाँ पर बात करें प्राइवेट कंपनीज हु प्रोड्यूस एंड सेल, तीसरा यहाँ पर वही है जो जैसे भारत बायोटेक के बना रही है वैक्सीन और यहाँ पर उनको बेच रही है। तो अभी तो भारत सरकार को यहाँ पर राज्य सरकारों को बेची जा रही है। तो यहाँ पर बात करेंगे इफ द स्टैंड ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज दैट बिकॉज देयर बिजनेस मस्ट बी ओनली बिजनेस एंड द पब्लिक गुड इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन। जब यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज अपना ये स्टैंड लेकर बैठ जाए कि उनका काम सिर्फ अपने बिजनेस से यहाँ पर मतलब रखना है, उनका बिजनेस यही है कि अपने बिजनेस से मतलब रखना है, तो उस समय फिर यहाँ पर जो पब्लिक गुड, जो जो लोगों तक तो यहाँ पर चीज पहुंचनी चाहिए, जो जरूरी है, तो वहां पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे तो बहुत सारे यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लाइक ही नहीं करते, जो सरकारी संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उन्होंने सेटअप किए हैं, जैसे हम बैंकों की बात कर लें, हॉस्पिटल्स की बात कर लें, स्कूल्स की बात कर लें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो ये गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट जो है ना वो यहाँ पर प्रूव कर देते हैं, तो दीज एंटरप्राइजेस डू नॉट प्रोड्यूस ए मच शेयर होल्डर रिटर्न। जो ये सरकारी संस्थाएं हैं ना, जो अगर कोई शेयर होल्डर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करता है तो उसको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर ये प्राइवेटाइज हो तो इनको यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल्स की बात कर लो, बैंकों की बात कर लो, स्कूल्स की बात कर लो, तो प्राइवेट स्कूल और जो है सरकारी स्कूल दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। प्राइवेट स्कूल में अगर पब्लिक डोमेन में खोला है, सरकारी स्कूल खोला है अगर, तो वहां पर फीस बहुत कम होगी, जो भी पैसा जो है सैलरी वगैरह दी जाती है टीचर्स को सरकार देती है। और जब प्राइवेट स्कूल की बात आ जाएगी तो यहाँ पर सबसे जो भी यहाँ पर सैलरीज वगैरह निकाली जाएंगी वो सब कुछ जो बच्चे की फीस होगी वहीं से निकाला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जितनी ज्यादा बच्चे की फीस होगी उतना ज्यादा शेयर होल्डर का यहाँ पर रिटर्न बढ़ता जाएगा, जिन्होंने भी यहाँ पर पैसे लगाए स्कूल को बनाने के लिए। ओके, तो ये सिनेरियो चलता है। इकोनॉमिस्ट हमेशा प्रेफर करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन अगर होगा चीज का तो शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे इफ दे वर प्राइवेटाइज्ड देयर ओनर्स ऑब्जेक्टिव्स वुड बी प्राइमरली इफ नॉट एंटायरली टू मैक्सिमम रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर अगर किसी चीज को प्राइवेटाइज करते हैं तो यहाँ पर जो मालिक है तो वो यही सोचेगा कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तो उनको मैक्सिमाइज मैं रिटर्न दूँ। जब मैक्सिमम रिटर्न देगी ना तो बोझ सीधा सीधा यहाँ पर पब्लिक के ऊपर आएगा, आम जनता के ऊपर आएगा। सो इसी केस के चलते यहाँ पर पब्लिक बेनिफिट जो है ना तो उनको एक साइड पे लगा दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, और यहाँ पर जो उनको बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है, तो उनको टेबल से ही हटा दिया जाएगा। सो देयरफॉर प्राइवेट विल ऑलवेज बी बेटर देन पब्लिक बाय द लिमिटेड मेट्रिक ऑफ शेयर होल्डर रिटर्न्स। तो आखिर में यही बात करें कि प्राइवेट हमेशा बढ़िया है पब्लिक से, क्योंकि तो जितने भी यहाँ पर शेयर होल्डर लिमिटेड मैट्रिक में जितने भी यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। आगे यहाँ पर बात करें जो गवर्नमेंट का पर्पस होता है वो होता है कि ऑल राउंड जो वेलबींग है सिटीजन की उसको इम्प्रूव करना। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। ओके, तो जो कि वो कैन पे गुड प्राइसेस फॉर देम। तो इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो बनाकर चलना होगा कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी मदद हो पाए। तो जो लोग पैसे चुका सकते हैं प्रोडक्ट का, यहाँ पर अच्छा खासा दाम दे सकते हैं, तो उनको एक साइड पे रखें। तो इन्हीं के चलते ही यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर ना प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है अपना ऑब्जेक्टिव यही मानकर चलती हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमने यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूस करके देना है फॉर देयर इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पर
सरकार इंटरवीन करे अच्छे से तो यहाँ पर सिटीजन्स का भी फायदा हो सकता है। तो उन्हीं का यहाँ पर जो है ऑलराउंड वेलबींग जो है वो हमें देख कर चलना। तो COVID-19 क्राइसिस जो है इसके चलते कैपिटलिज्म कोई उसका अंत नहीं होने वाला है। कैपिटलिज्म चलता रहेगा, पूंजीवाद चलता रहेगा। जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाएगा और आगे जो है प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। तो यहाँ पर अगर कैपिटलिज्म जो है ना, तो उसको यहाँ पर अभी सरवाइव करने की बात है कि मतलब उसको अपना मरना नहीं है, खत्म नहीं होना, उसको उसको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए यहाँ पर उसको भी थोड़ा सोचना होगा कि सही तरीके से आगे बढ़े। तो कंपनी से ना उनको दोबारा से सोचना होगा कि किस पर्पस के लिए उनकी एग्जिस्टेंस है। अगर वो वैक्सीन निर्माण में काम कर रही, चाहे कुछ भी बना रहे, तो बना रहे तो वो बना तो पब्लिक के लिए रहे ना, तो जो आम जनता उसी के लिए बना रहे। तो उनको अभी इस सिचुएशन में क्या चीजों की जरूरत है, क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है इकॉनमी की, थोड़ा इसको भी समझे। ओके, यहाँ अगर आपने कैपिटलिज्म को सर्वाइव करके रखना है, बचा कर रखना है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इट इज इंपेरेटिव, अनिवार्य है नाउ डैट मोर ह्यूमन एंड लेस मनी वैल्यूज आर अडॉप्टेड। तो यहाँ पर मनी वैल्यूज को एक साइड पर रखो, तो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस करो कि जो हमारे लोग हैं वो मरते जा रहे हैं। तो इस तरीके से चलो कि अगर माना कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो सरकार के साथ मिलकर तो यहाँ पर सस्ते सस्ते दाम पर यहाँ पर कोशिश करो कि चीज पहुंच जाए। ओके, खासतौर पर अगर वैक्सीन की बात करें तो, ताकि जो कि आम लोग भी उसको खरीद कर लगवा सकें और वायरस से बच सकें। तो बहुत सारे लोगों की जाने अभी जा चुकी है सेकेंड वेव के चलते। तो अभी एडिटोरियल नंबर 3 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, ये वाला एडिटोरियल है, तो यहाँ पर नेपाल में जो डेमोक्रेसी ना, तो उसकी बात की जा रही है। तो देखो नेपाल में अभी क्या चल रहा है, नेपाल में अभी सरकार गिर गई। ओके, तो पहले केपी शर्मा ओली की सरकार थी, तो अभी कुछ साल पहले नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने सत्ता में आई, मतलब काफी देर बाद सत्ता में आई है, जब से नया संविधान बना। तो काफी बार तो इनका संविधान बदल चुका है नेपाल की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके हिसाब से यहाँ पर शपथ ली गई, सरकार बनी, लेकिन यहाँ पर नंबर्स कम हो गए। नंबर्स कहने का मतलब जितने पर्याप्त नंबर चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, तो वो यहाँ पर कम हो गए। नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो केपी शर्मा ओली की पार्टी थी, जिसके चलते अभी भंग कर दी गई है जो संसद है, पार्लियामेंट है नेपाल की। तो इसकी जो पार्लियामेंट है वो भी 2018 में ही बनी है। ओके, तो अभी वो भी एक नई बिल्डिंग के तौर पर इसको तैयार किया गया। तो डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि अभी ना, अभी जैसे एक नवजात बच्चा होता है ना, तो उस स्तर पर यहाँ पर काम कर रही है नेपाल में। पहले यहाँ पर मोनार्की ही रही है काफी देर तक, एक राजा का शासन था, वो खत्म हुआ बाद में, यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया, लेकिन वो भी पसंद नहीं आया, जिसको कई बार उन्होंने बदला है। ओके, तो अभी अलग अलग पार्टीज इनकी अलग अलग एरियाज में से बन चुकी हैं, इन्होंने अपने जो देश है उसको भी रीऑर्गेनाइज किया है, अलग अलग स्टेट्स बनाए हैं, जैसे भारत में बने थे जब भारत आजाद हुआ था। ओके, तो अभी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, एक डिस्प्यूट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो इंडिया के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। तो वैसे अभी जो प्रेसिडेंट है नेपाल की, उनका नाम याद रखें, विद्या देवी भंडारी। ओके, तो उनका नाम है। और ये देखिए यहाँ पर ना सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये रहा है कि जो ये केपी शर्मा ओली की सरकार थी ना, तो इन्होंने क्या किया, पिछले साल एक डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और नेपाल के बीच में, जिसको कि इन्होंने अपने नक्शे में शो कर दिया। ओके, तो काला पानी लिम्पिया दूरा मैप जो है इन्होंने अपना बना दिया, तो ये नेपाल की टेरिटरी यहां तक खत्म हो जाती थी। तो ये अभी यहां तक चले गए, यहां तक स्टैंड करके, ये जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया था, तो कह रहे हैं कि अब हमारा ही एरिया है, तो अपने मैप में इन्होंने शो कर दिया। ओके, तो डिस्प्यूट को और यहाँ पर बढ़ा दिया गया, कहने का मतलब ये है। तो ये लिपिया दूरा है। ओके, तो ये यहाँ पर काला पानी एरिया है, ये लिपू लेक पास है। तो लिपू लेक पास का भी ध्यान रखें, ये वाला सारा का सारा एरिया इस साइड जिसको हम चाइना बोलते हैं, ये तिब्बत है, जिसके के ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तिब्बत का एरिया है। इसलिए यहाँ पर ITBP के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ओके, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो हमारे जवान तैनात रहते हैं, वो BSF के जवान होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के। ये भारत का राज्य है उत्तराखंड, जहां पर ये जो एंटायटी है, ये बॉर्डर इसका लगता है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर का, डिस्प्यूटेड एरिया का। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर ये माउंट कैलाश है, यहाँ पर डोलमा पास पड़ता है, इसका नाम याद रखें। तो ये तिब्बत में चला जाता है, इसके यहाँ पर आसपास रक्षा स्थल भी आता है, ये लेक मानसरोवर है। और ये यहाँ पर लिपू लेक पास, जिसकी मैंने अभी आपको बात की है। तो ये काला पानी, ये सारी वही टेरिटरी से जिसके बारे में मैंने बात कही है अभी। और ये है नेपाल का पूरा मैप। ओके, तो ये अभी नए राज्य यहाँ पर बनाए गए हैं, तो ये नया जो रीऑर्गेनाइज मैप है वो है, जिसमें इन्होंने ये वाला एरिया यहाँ पर एक्सटेंशन करते हुए इस एरिया को भी यहाँ पर शो कर दिया कि ये भी नेपाल की ही टेरिटरी है।
ये भारत की टेरिटरी नहीं है, तो ये कहना है नेपाल का। तो ये है यहाँ पर आज का पूरा एनालिसिस द हिंदू एडिटोरियल्स का। तो चार एडिटोरियल यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। ये यहाँ पर जो होता है ना, ये वाला लेटर्स लिखे जाते हैं एडिटर्स को, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। तो इसके बारे में मंडे को फिर जो एडिटर होता है वो जवाब देते हैं लेटर्स का। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाले पेज पे हर एक सैटरडे क्या होता है कि यहाँ पर ना पूरा एक यहाँ पर एडिटोरियल होता है, यहाँ पर एक लेख कह सकते हो, स्टोरी कह सकते हो, कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टॉपिक के ऊपर हिसाब से बनाई जाती है। तो चेन्नई के हिसाब से अभी लिखा गया है कि कैसे COVID-19 का टाइड जो है चेन्नई में अभी बदलता हुआ नजर आ रहा है, चेन्नई की सिचुएशन कैसी होती जा रही है, तो उसके बारे में पर्टिकुलरली ये पूरी डिटेलिंग में बात की जा रही है। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो एक और तो हमारे पास ये चेन्नई है जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, और दूसरे पास हमारे हमारे यहाँ पर बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। दोनों में से ज्यादा साउथवर्ड कौन है? अगर मैं यहाँ पर साउथवर्ड होने की बात करूं तो दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव की ओर सबसे ज्यादा यहाँ पर झुका हुआ शहर कौन सा है? चेन्नई है या फिर बेंगलुरु है? इसको इस क्वेश्चन का आंसर दे कमेंट बॉक्स में। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। कैसा लगा लेक्चर आपको? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।